हवा चलती थी यस यार नूनू हमारे साथ बहुत बुरी बेटी होगी लेकिन मुझे लग रहा है अपनी मम्मी की वजह से रो रही मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग गाइस तो आज की शुरुआत मैंने की है और राजा ने राजा गुड मॉर्निंग बोलो बेटा चुम्मा चुम्मा और खुशी ओ माय गॉड खुशी ने बना दिया गरम गरम रोटियां साहिल साहिल गुड मॉर्निंग माँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माही उसे रात को एक बार आग खुल गई मेरी सोचे हाय मैं यहाँ बस कल कल ही हूँ तो गाइस हम लोगों ने आज प्लान किया है कि हम लोग पाम जुमेरा लेके जाने वाले हैं द पाम व्यू माहौरों को लेके जाने वाले तो आज मजा आने वाला है आज भी आप लोगों को दो व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं पहला आप लोगों को मिलेगा द पाम व्यू का और उसके बाद जो कल आप लोग व्लॉग देखोगे वो होगा क्रूज का तो दोनों जगह बहुत मजा आने वाला है सो गाइस अभी एक चीज हमारे दिमाग में आई हुआ क्या बताओ तो सही बता दो बस प्लीज यार वी के फैमो कुछ नहीं समझ मारा क्या हुआ हमारी टिकट साहिल आज की है साहिल हमारी टिकट 29 की अब की है तो सोच रहे अब देखा ध्यान लगा के 29 तो आज ही चढ़ जाएगी तो मैं तो मजा था बीयर उधर नहीं गए अब समझ ना मुझे रात नींद क्यों नहीं आती यार मां सब्जी वब्जी हमने कल सुबह तक इंतजाम कर रखा था यार ये क्या हुआ बीटी हो गई बीटी हो गई इसलिए मैं कहता हूँ कि टिकट वाला आप देखा करो क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं काम करती नहीं बब्बा और हम कर रहे थे होटल बुक कर रहे थे बब्बा और मैं तो मैं सुबह क्योंकि समझो ना कि अब टिकट आप भी किसी ने दिमाग लगाया अब भी आपने तो लगाया मैं तो बैठा रहता आराम से फिर जाता है डिपोर्ट ही होता सीधा अब हमने जो अब प्लान करा था वो इतना पंचुअल पाम से जाके अपना खाना खाते चेंज करते फिर वहाँ जाते रात को क्रूज पे सुबह हम लोग यहाँ पे पूरा खत्म करके पूरा अपना करके पूरी पैकिंग वैकिंग जाते लंच करते भैया के वो बड़ी खाली लेते उस बाद शाम को हम बीच जाते बीच से सीधा होते अब लेकिन हमने इतना खाना रेडी करके रखा है थाली लायक भी नहीं रहे साहिल भाई हमारे साथ खाना एंजॉय कर ले नेक्स्ट चक्कर पता नहीं कब बनेगा अब क्रूज में मम्मी उल्टी कर देती नहीं लेके जा सकता मैं अपनी मम्मी को हवा चलती थी डोली बात लग रहा था जन्नत सी यार नूनू हमारे साथ बहुत बुरी बेटी होगी लेकिन देखो तो मम्मी देखो रो रही इस बात पे कि क्रूज लेके जाना था मम्मी और को मुझे लग रहा है अपनी मम्मी की वजह से रो रही मुझे लग रहा है अपनी मम्मी की वजह से रो रही मेरा बच्चा मेरी गलती है इसमें यार यार खुशी से ज्यादा तो मुझे मम्मी समझने लगी हिमांशु का मेरे पास अभी मैसेज भी आया बिल्कुल और वो कह रहा माँ का मन था कल जलेबी और समोसे खाने का तो ये भेजे उसने सेम इंडियन फूड है सेम वाकई भाई मजे देखिए कहाँ गए थे बेटा क्या किसको यार खुशी वो मेरे फर्स्ट टाइम ट्राई करी ना जींस वाह दोनों खड़े होना मम्मी आप दोनों को देखो ये तो गाइस रेडी होके हम लोग निकल चुके हैं और आज हम लोगों ने बैग कैरी किया है कि उस पानी वानी की दिक्कत रहती है वरना कैब वाले भाई ने थोड़ा सा पंगा कर दिया आने में तो लेट हो रहे हैं वो बहुत तो संतोष भाई हमारे पास आने वाले थे लेकिन रिसेप्शन पे चाबी रखना अलाउ नहीं है तो हम लोगों ने चाबी इसके नीचे दबा दी फिलहाल इसके नीचे दबा दी चाबी यहाँ पे तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं बस अब दुआ करते हैं कि वहाँ पे एंट्री हो जाए अब अदरवाइज आज का दिन ही अजीब चढ़ा है सुबह से ही हमने सोचा कि हमारी 29 की रात की फ्लाइट है अच्छा। और वो हमारी 29 की अर्ली मॉर्निंग मतलब 1 बजे की फ्लाइट है मतलब आज रात बहुत अच्छी चीज क्या है कि पूरा रास्ता पता है रास्ता पता होने की वजह से टेंशन नहीं होगी जल्दी जल्दी सीधा वहीं पहुंचते हैं वो बबे पहले नॉलेज देंगे इसके बारे में एंड रोड हमारी एंट्रेंस हो गई है ना बाबू और लेकिन हमने पता पहुंचे बहुत सही टाइम पे मतलब ना तो 4 बजे थे ना 3:30 थे बिल्कुल बीच का टाइम 3:45 था The iron from the waves. तो अब यहाँ सिर्फ 6 साल में बब्बे 6 साल में मैन मेड और इन्होंने भी कहते हैं कि स्पेस से नेकडाई से दिखता है ब्रो 2008 में तो ये रेडी हो गया था भाई अटलांटिस वाटर पार्क की जो राइड्स है ना इसमें ऐसा लगता है कि आज भी नहीं बना सकता कोई इन्होंने 2008 में बना दी थी यहाँ से क्यू में लगना है क्यू में लगने के बाद आप सीधा लिफ्ट में जाओगे लिफ्ट में जाने के बाद सीधा ऊपर और ऊपर जाने के बाद आप लोगों को दिखने वाला है एक्चुअल व्यू अब तक हम लोगों को बताया गया है
जिससे कि आदमी फील करे। सही बात है। और जब आदमी फील करने के बाद देखता है ना, तो उसमें एक्चुअल में उसकी मतलब वो एक देखने की विजन बदल जाता है, विजन भी बदल जाता है और लगता है कि चलो हाँ कुछ चीज में देखना है, मतलब लोग लगता है चलो बढ़िया है। इसे मिस करोगी माँ जाने के बाद आप ये ट्रिप अपनी? पूरी जिंदगी तो इसलिए नहीं याद रखने देने की, हम आपको फिर कहीं का प्लान कर लेंगे। फिर से आप लिफ्ट की वाइब लेने वाले हो, एक ग्रैंड वाइब। 29 32 36। हाँ वो अटलांटिस वाटर पार्क के सामने। अच्छा, और ये है वो जगह जो मैन मेड आइलैंड है कंप्लीट, इसी में शाहरुख भाई का भी घर है। देखो पूल में घर कह रहा, ओ भाई साहब ये क्या था। हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े जो मैन मेड की सबसे बड़ी एग्जांपल है, मतलब बीच सही बात। हमने वीडियो देखी कि उसको बनाने के लिए इतना कुछ हुआ, पत्थर मिट्टी और ऊपर से आसमान है, स्पेस से उन्होंने सब देखा नीचे सैटेलाइट की हेल्प से। सैटेलाइट से अभी भी दिखता है ये पूरा जो है ना, जब बनाते टाइम भी उन्होंने प्रॉपर देखा कि सही बैठ रहा है, वो जो उनको लेकिन मजा आ जाता है भाई, सच में मजा आ जाता है। हेलो हाउ आर यू, कितनी क्यूट है ना। लेकिन एक तरीके से ये है एक्चुअल पाम व्यू, ऊपर देखिए ये तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे दोनों अपनी फ्यूचर कार खड़ी हुई है, रोल्स रॉयल्स और लैम्बोर्गिनी। अभी हम लोग निकलने वाले थे लेकिन हमारी कैब यहाँ से बुक होने में बहुत दिक्कत कर रही है क्योंकि बहुत रश दिखा रहा है यहाँ से। तो फिर भाई को मैंने कॉल किया कि यार आप ही आ जाओ मेरे लेने के लिए, बिकॉज अगर मैं यहाँ से कैब बुक करूँगा ना तो पहले कैब आने में यहाँ से कम 20-22 मिनट दिखा रही है और फिर आधा घंटा जाने में लगा, तो इट्स बीन अराउंड 1 घंटा हमारा ख़राब होगा। सो लास्ट टाइम जब हम इस मॉल में थे ना, तो मैंने एक टॉय शॉप देखी थी बहुत सुंदर, तो एकदम से मुझे याद आया कि हम लास्ट टाइम भी यहीं पे बैठे थे, तो मैंने बुग्गा के लिए ये प्यारा सा गन लिया। इसके अंदर 2 गन है। एक चीज़ देख, ये देखना इसमें क्या है, इसमें बेटों के लिए क्या लाए हैं डेडा, बेटा के लिए गन लाया हूँ। सो राजा को फीवर बहुत ज़्यादा हो गया और फिलहाल हमारी कैब भी आ चुकी है, तो हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम अभी फ़िलहाल कहीं और भी जाने का था लेकिन अब हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, हम लोग सीधा फ्लैट पर जाएंगे, भाई को मेडिसिन वगैरह देंगे और वेट करेंगे इसके फीवर उतरने का, और फिर 10 बजे हम लोग ठीक चेकआउट कर देंगे हमारे होटल रूम से। ये सब क्या है? ये तो मेरा है, ये मैं बेटे मैं इसकी तो पूछ नहीं रहा मैं, ये क्या है? ये राजा के लिए, राजा बोलता था ना गन चाचू गन गन, इसलिए मंच भाई तगड़ा सरप्राइज दे देना हमने आप लोगों को। डरा दिया बिल्कुल भाई, हमारा पार्टी करने का मन था लेकिन सीन तगड़ा हो गया। हम सोच रहे थे कल जाओगे आप, मैं क्या इसीलिए तो मैंने आपको क्या कहा कि तगड़ा ऐसा सीन नहीं बना दिया मैंने, सबको सरप्राइज दे दिया भाई और सब आगे कहते बैंगर ये क्या लगा रखा है भाई। मैं बोलूं भाई कल तो बोल रहे थे कि दिन की रात की फ्लाइट है। कल हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग बैठ के बढ़िया पार्टी शार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 दिन थे एक तरीके से, आज का पूरा दिन था और कल का पूरा दिन था, हम रात को लेट निकलते, लेकिन ऐसा सीन हुआ फिल्म बन गया हमारे तो भाई। बकूर को जलाने का ये बब्बे के लिए, आपने ये वीडियो में खाया था, मैंने सोचा आपको पसंद आया। आप इमोशनल करने वाली बात क्यों कर रही हो सारी, ये वाला रख के जा रहे हैं राजा का वैक्यूम क्लीनर का है भाई, रख लो क्या बैग में। बाय बाय होम, बाय बाय, बहुत याद करेंगे ब्रो। शिट मैन, कल से तो अजीब ही दिन होने वाला है संतोष भाई, यार इतना मजा आ रहा था ना कि रोज तुम लोगों से मिल लेते थे। हाँ बोल रही, मुझे ना ऐसा लग रहा था अभी हम कितने बैग लेके आए थे, खुश हो रहे थे यार। हमने अपने ट्राई किया लेकिन फिर वही था कि एक दिन एक उसके लिए बिना बात के हाफ पेमेंट करने वाली बात थी। इजिप्ट वाला जो बंदा है ना भवजीत का दोस्त है, तो बाय बुए कर गया उसके साथ, हग कर गया, सो मच फॉर योर लवली टाइम, थैंक यू सो मच। तो हम लोग गाइस आ चुके हैं, ये 3 ट्रॉलीज हमारी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये भाई का नाम फुर्ती है, अरे भाई यार का हिसाब है, लोकल नंबर है ना गाड़ी, तो चलो बस भाई को देख एकदम निकल जाएंगे, बाकी मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय 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 बाय, मिलते हैं जल्दी, ठीक है। बाबू आप ठीक हो? मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो, अब निकले बाबू। आप एक काम करना, आप मेरे लिए मेरे कहने से एक काम करना,
मेडिसिन ले लेना प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे विनती ले लूंगा डैडा। हाय और पता डैडा आपके लिए गन लाया है, अब आगे जा भवजीत के लिए तो एक और नई जगह है। भले ये बहुत टाइम रहा है बॉम्बे, लेकिन अब जो बॉम्बे से देखेगा वो चौधरी साहब की नजर से। भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसने वोमिटिंग करी है जस्ट अभी 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 जस्ट इसने मेडिसिन ली थी बस एक बार, और वो भी सारी बाहर निकल गया एज इट इज। तो गाइस अभी राजा ने दो चार बातें करी तो अच्छा लगा, अभी इसको कुछ खिलाएंगे, अच्छे से कपड़े भी चेंज कर दिए। वो पासपोर्ट मेरा देख के कह रही नहीं 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 ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। हाँ बुखार हो रहा ना बहुत तेज, अब एक काम कर लो मेरे लिए, खा लो कुछ थोड़ा सा प्लीज। राजा क्या निकलेगा इसमें से, माँ को बताते हैं, माँ को बताते हैं, माँ को एक ये लेना है ये बल्ला उठा लो भाई, उठाई नहीं जा रही है तो गाइस हम फिलहाल फ्लाइट में आ चुके हैं, राजा थोड़ा बेहतर फील कर रहा है और अभी जाके कहीं टेंशन फ्री में हम लोग, मम्मी मैं तो बबजीत इधर आके बैठ गए हैं और उस तरफ में खुशी राजा एंड माँ माचो थोड़ा ही देना थोड़ा थोड़ा। तो अब राजा थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, राजा गाना सुनाओ जो लोग जो सुना रहे थे। छड़ी ना छड़ी ना हाथ यार मेरा मेनू अपने तो ज्यादा ही होंदा प्यार मेरा। तो हम लोग आ चुके हैं फ्लैट पे, मम्मी पहली बार जा रही है फ्लैट के अंदर, और लाजा लाजा इसको चाय बंद कर दे, इसको बंद कर दे, ये मेरे पति देव का काम है, पता नहीं हैंगर यहाँ के फेंक है, मुझे मैंने भी अब ध्यान दिया। सो गाइज वेलकम टू आमची मुंबई, और स्वागत है आप सभी लोगों का मुंबई में। और बबजी दिख रहा है कुछ ऐसा छोटा सा वहाँ पे, बिकॉज सामान सारा भरा पड़ा है इस गाड़ी में, और हम लोगों ने जो दूसरी कैब थी वो बुक कर ली थी, जिसमें कि माँ राजा एंड खुशी और मम्मी ये चारों बंदे जा चुके हैं, बिकॉज राजा को थोड़ा सा मतलब फीवर फील हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप लोग जल्दी निकल जाओ, थोड़ा सामान लेके वो लोग निकल गए थे, हमें था कि हम चले जाएं, लेकिन अब मेरी हालत देखो, मेरे घुटने लिटरली घुसे हुए हैं उसमें, और थोड़ी सी जगह बची है, ये लेग रूम बचा है सिर्फ। भाई सो गया क्या आगे, हेलो